हे गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका साथी आकाश जैन आज आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी बदल कर रख सकता है। जी हां, जिंदगी बदल सकता है। आप जो सोचते हो वो आपको मिल सकता है। सर, ये कैसे मिल सकता है? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, चकाचौंध वाली जिंदगी में, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफों, जो भी तकलीफें उनके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आप अपने मस्तिष्क के द्वारा। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मस्तिष्क की शक्तियों के बारे में। हम अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेंड कर सकते हैं, किस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, अगर आप ये जान जाओगे तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस में सफलता हासिल हो जाएगी। आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में, हर वो काम कर सकते हैं। लोगों से आप मिलोगे तो लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये कैसे होगा, चलिए तो देखने वाले हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्त, कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, सभी का एक समान होता है। ये ना अच्छे में फर्क जानता है, ना बुरे में फर्क जानता है, ना इसे कोई चीज चमत्कारी लगती है, ना इसे कोई चीज बेकार लगती है। ये सिर्फ एक मशीन है, पावरफुल मशीन है। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, ये बस उसको प्रोसेस करने लगता है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि भाई कोई गन्ने की मशीन है, उसमें आप गन्ना डालते हो तो वो मशीन गन्ने का रस ही निकालेगी। चाहे उसमें आप सड़ा गन्ना डालो तो सड़ा जूस निकलेगा, आप उसमें अच्छा गन्ना डालोगे तो अच्छा जूस निकलेगा। ऐसे हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है। ये इतनी अच्छी बात है, इसकी खासियत है कि आप इसका जितना उपयोग करते जाओगे ये उतना अच्छा होता जाएगा। अगर आप सोचते हो आप गांव से हो, आप शहर से हो, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, तो दोस्तों ये दिमाग सभी का जन्म से बराबर होता है। आप जितना उपयोग करोगे। अब सर, आखिर ये कार्य कैसे करता है, हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कार्य कैसे करता है, काम कैसे करता है। आप सबसे पहले जानिए, एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, हमारा ब्रेन कार्य कैसे करता है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, यहां पर अपन देखते हैं। मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, कार्य करता है। हम जो सोचते हैं सर, क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जो नकारात्मक विचार हमारे आसपास होते हैं, हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या वास्तव में ऐसा होता है? चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क कैसे काम करता है, यहाँ पर हमारा ये ब्रेन है। ये हमारा क्या है दोस्तों? ब्रेन है, दिमाग है। एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये टेक्निक अगर आपने फॉलो कर ली तो आप को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो पढ़ोगे एक बार में याद हो जाएगा, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। एक टेक्निक होती है IPO। कौन सी टेक्निक है? IPO। सर इसका मतलब क्या है? IPO का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्त, आई का मतलब होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार आपने देखा है कि कोई कंप्यूटर होता है, आप उसमें कोई गणना करना चाहते हो तो आप कुछ संदेश देते हो, इनपुट देते हो, कुछ जानकारी देते हो। ऐसी हमारा मस्तिष्क है, वो भी इनपुट लेता है, उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। मैंने अभी बताया एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो लगातार कार्य करती रहती है और उसे पता नहीं है कि कौन क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप जो चीज़ उसमें डालोगे वो वैसा कार्य करने लगती है। अब ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा किसी भी चीज़ को। क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? ये आउटपुट देगा। क्या करेगा? आउटपुट देगा। तो इस टेक्निक को आपको समझना है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें डालते हो, चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे वो बुरी चीज़ है, याद रखना इस प्रकृति में, इस नेचर में चारों ओर अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं। सर हमारे पास कौन से विचार आते हैं? अब मान लो मैं केला खा के निकल रहा हूँ, मैंने केला खा लिया, मेरे पास केले का छिलका है। अब मैं रोड पर जा रहा हूँ, एक साइड गंदगी पड़ी हुई है और एक साइड साफ रोड पड़ी है, तो बताओ आप, अगर आपके पास केला है तो आप कहाँ पर फेंकोगे छिलके को? तो आप बोलोगे सर गंदगी वाले एरिया में फेंकेंगे। वैसे ही अगर आपके दिमाग में भी गंदगी भरी हुई है, गंदे विचार हैं, तो यूनिवर्स में जितना भी ब्रह्मांड है उसमें जितनी भी गंदे विचार हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके पास आते जाएंगे। सर ये गंदे विचार आते कैसे हैं, कैसे हम कम करें, कैसे पढ़ाई में मन लगाएं? तो दोस्तों ये गंदे विचार जो इनपुट आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना, ये इनपुट आपको आपके दुश्मन दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? दुश्मन। दुश्मन कौन है? सबसे पहले मोबाइल। क्या बात कर रहे हो सर, हमारा मोबाइल फोन हमारा दुश्मन? जी हाँ, इस मोबाइल फोन में जो आप देखते हो सोशल मीडिया, सबसे पहले ले लो मीडिया, आप देखते हो मीडिया,
उस पर बार बार आपको दिखाते हैं यूक्रेन ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, यहां बलात्कार हो गया, यहां दंगा हो गया, बार बार वही चीज आपके दिमाग में घर बना लेती है। आप जाते हो सोशल मीडिया पर, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, सोशल मीडिया पर चले गए, आप इंस्टाग्राम पर गए, इंस्टाग्राम आपने खोला, वहां रील देखी कि भैया लड़का लड़की को आकर्षित कर रहा है, लड़की को गोद में उठा रहा है, लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया। अब आपका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है, आप भी फिर लड़कियों के पीछे भागते हो, आप पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते, क्योंकि आपने देखा होगा 90-95% कॉन्टेंट कैसा मिलेगा आपको, सिर्फ फूहड़ बेकार जो देखने ही पसंद नहीं करोगे। आप मूवी देखने चले जाओ, मूवी भी आपको मिलेंगी 90% ऐसी मूवी जो आप परिवार के साथ देख ही नहीं सकते, ऐसे उसमें सीन रहेंगे। तो ये इनपुट है, आप आपके दिमाग में जैसा इनपुट देते जाओगे वो वैसा ही प्रोसेस करेगा। तो याद रखना ये किस प्रकार से प्रोसेस करता है, इसके भी तीन फॉर्मूला है, आप समझते चलना आईपीओ कैसे काम करता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है सर, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हो, कोई भी चीज कमांड मतलब कम्युनिकेशन, अभी देखेंगे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। आपने कोई भी कमांड दे दी, आपने दिमाग को संकेत दे दिया, मैं तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो बुद्धिमान ही नहीं हूं, मैं पटवारी नहीं निकाल सकता, मैं ये एग्जाम नहीं निकाल सकता, तो आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा। जैसी आपने कमांड दी वैसी स्टोरी बना लेगा, वैसा क्या करेगा, ये स्टोरी बना लेगा, एक रचना रच देगा, कहानी रच देगा कि भैया तू नहीं कर पाएगा। दिमाग को कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, दिमाग तैयार हो जाएगा उस चीज़ के लिए जो आप उसे दोगे। तो आपने कमांड दी, वो स्टोरी तैयार कर लेगा कि तू नहीं कर सकता, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी है वैसी काम करने लगेगी, आप ढीले पीले पड़ जाओगे, आप में जोश की कमी आएगी, चारों तरफ आपके चेहरे पर समस्याएँ दिखाई देंगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, आप खुद अपने आप को बेकार लगने लगोगे दोस्तों। और आप इस चीज़ को बदल कैसे सकते हो, इन नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो, ये मुद्दा है हमारा। तो दोस्तों नकारात्मक विचारों को आप बिल्कुल रोक सकते हो अगर आप इनपुट अच्छा देते हो। अगर आपने आपके दिमाग में सोच लिया कि ना ही मैं कर सकता हूँ, आपने कमांड दे दी दिमाग को कि मैं कर सकता हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा, एक टारगेट बना लिया कि मैं आज 3 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, कमिटमेंट ले लिया कि मुझे करना है, मतलब करना है चाहे कुछ हो जाए, अच्छे विचार गए, आपके दिमाग में स्टोरी बनी, हाँ मैं ताकतवर हूँ, मैं कर सकता हूँ, और आपकी बॉडी बिल्कुल तनके खड़ी हो जाएगी कि मैं तैयार हूँ, जोश दिखने लगेगा आपके अंदर, और आपके विचारों में सकारात्मकता आ जाएगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, लोगों को लगेगा यार ये पढ़ रहा है कितना अच्छा पढ़ रहा है, मैं जाके इससे बातचीत करूँ, मुझे बताइए कैसे पढ़ना है। जब आप ही ढीले पीले रहोगे तो आपके पास कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, घर वाले भी गाली देंगे, आपको लगेगा पैसा नहीं कमा सकता मैं, इस दुनिया में अथाह भंडार है पैसे का, आप एक बार कमांड तो दो कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप सोचना चालू कर दो इतना पैसा है मेरे पर्स में कि खत्म ही नहीं होता, मेरे घर में इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, इतनी दौलत है कि वो खत्म ही नहीं होती, मैं लाखों लोगों की मदद कर सकता हूं। तो आपका दिमाग वैसे काम करेगा, आपको जरिया मिलेंगे, स्टोरी बनेगी। आप सोचो कि एक बार में सफलता मिल जाए, तो शिवानी दीदी की अगर आपने सुना हो वीडियो तो वो बोलती हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ को बार 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 रिपीट करते हो तो वो आपके मस्तिष्क में एक मोटी छाप छोड़ देती है। आप बार बार नेगेटिव 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 सोचोगे तो एक नेगेटिव परत बनकर रह जाएगी। फिर आप मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, आपकी समस्या रहती है कि सर हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं थोड़ी देर तक असर करती है, फिर वो असर ही नहीं करती, फिर देखनी पड़ती है। तो दोस्तों वो आपका जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये पतली लेयर है, और आपने जो नकारात्मकता नेगेटिविटी बनाई है वो कई वर्षों से बनाई है, अब वो जैसी पॉजिटिविटी जाती है वो नेगेटिविटी उसको खा जाती है। आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, आपकी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तब आपके दिमाग में अच्छे विचार जा पाएंगे। आप नकारात्मक मत बनिए, आप सकारात्मक बनिए। किस प्रकार से सकारात्मक बन सकते हैं, आप अपनी आदतें बदलो, छोटे छोटे स्टेप लो, एक्शन के बिना काम नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, दूसरा आपको पास नहीं करेगा, पास आप होगे पेपर में। पटवारी बनना है तो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एसआई बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप सोच के बैठते हो दोस्त पड़ेगा तब मैं काम करूंगा, दोस्त दोस्त का है, दोस्त दुश्मन है आपका, ये समझो आप, वो उसका पड़ेगा, तुम जाओ तुम क्रांति लाओ, तुम सोचो दुनिया बदल जाए, भाई तुम जब तक नहीं बदलोगे तब तक दुनिया नहीं बदल सकती। मैं सुधरूंगा जग सुधरेगा,
और कभी भी अपने माइंड को कमजोर मत समझो। सभी का माइंड एक जैसा होता है, एक मशीन है, वो कुछ नहीं समझता अच्छा बुरा, बस करता जाता है। इसीलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। आप बस करते रहिए दोस्तों, जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, तीन बार फेल होगे, दिमाग को संकेत दो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। भाई साहब एडिसन ने 999 बार फेल होकर हजारवीं बार इतिहास रच दिया। कितने ही ऐसे लोग हुए जिन्होंने असफलता के बीच में सफलता के झंडे गड़े। विराट कोहली, पता चला कि भैया रात को पिताजी की डेथ हो गई, अब उनके पास चांस है कि वो खेलें या ना खेलें, खेलें या ना खेलें। कोच ने बोला बेटा घर चले जाओ, लेकिन उन्होंने बोला पिता का सपना है कि मैं अच्छे खेलूंगा, और वो खेले और उन्होंने मैच जिता दिया। रणजी की बात कर रहा हूँ मैं, आप सचिन तेंदुलकर जी, पिताजी की मौत हो गई खड़े हैं मैदान में, फिर भी उन्होंने बोला मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर जाऊंगा तो रोने से क्या होगा, क्या सोचेंगे पिताजी। उन्होंने खड़े रहे और सेंचुरी से पिताजी को बल्ला ऊपर करके दिखाया कि पिताजी ये सेंचुरी मैंने आपके लिए भेजी, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो इस टेक्निक को याद रखना कि भैया आप अपने दिमाग में इनपुट अच्छे दोगे तो जिंदगी में हर कुछ हासिल कर सकते हो। नकारात्मकता की जो मोटी पट्टी आपके दिमाग में बन चुकी है वो दूर हो जाएगी। कैसे? अगर आप लगातार सकारात्मक विचार सोचोगे, फिर आप नकारात्मक सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सकारात्मकता वाली पट्टी इतनी मोटी हो गई कि आपको नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। और याद रखना, जो सोशल मीडिया है इससे बचकर रहना है, मोबाइल को सुबह उठाना ही नहीं है। कुछ टेक्निक ऐसी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तभी बनेगी जब आप चहुमुखी विकास करेंगे। और एक एक चीज़, एक एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, और जोश और उत्साह से हमेशा भरे रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।